सो फाइनली हम पहुंच गए अपने वृंदावन, मथुरा में पहुंचे, धर्मशाला गेस्ट हाउस, धर्मशाला में हम रुके। और ये सही था, सस्ता, टिकाऊ और अच्छा था। जो ये हम एक आम इंसान, आम फैमिली के होते तो फिर इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हमने अच्छा खासा ही गेस्ट धर्मशाला में अपना बुकिंग करे थे, एंड इट वॉज़ अ गुड ग्रेट। और बाकी ये था, देखो हम जहाँ रुके थे, जहाँ स्टे किया था उसके ठीक सामने पूरा मार्केट था, और जहाँ हम रुके इसका नाम मैं बताना भूल गई, ये था जन्मभूमि, जहाँ हमारा कृष्णा जी का एकदम बर्थ प्लेस एग्जैक्ट। और फिर हमें बहुत बहुत ज़्यादा वाला भूख लगा था, हम टूट पड़े खाने में, एंड खाना पीना खा के बस फिर हम सोचे टाइम की बर्बाद करें, शाम की बर्बाद करें, है ना। तो हम निकल गए, पर हम रेडी हुए अच्छा खासा, फिर हम निकले जन्मभूमि के रूट में। वहाँ से हम एक जगह गए, दैट वाज अ स्मॉल पॉन्ड और लेक, यही बोल सकते हैं। यहाँ की स्टोरी बिहाइंड दिस की जो हमारे राधा रानी थे, जो हमारे राधा जो भगवान थे, उन्होंने यहाँ अपने मेहंदी वॉश किए थे। जब जब वो मेहंदी लगाते वो ये वॉश करते, तो कहते हैं आज भी यहाँ का पानी ग्रीन है। तो वही इनके पीछे ये है स्टोरी। सो अच्छा लगा था देख के, और बाद में जो लाइटिंग था वो अलग ही एक मस्त लुक दे रहा था, अच्छा लग रहा था ओवरव्यू ना। और फाउंटेन भी एंड में बहुत अच्छा चलने लगा था, हम लोग वहीं खड़े रहे, देखते रहे, अच्छा लग रहा था। मतलब मैं यही कह सकता हूँ, मुझे मन नहीं करता जाने का। यहाँ एक और स्टोरी थी, यहाँ ना बहुत सारे बानर थे, मीन्स मॉन्कीज ना भाई। यहाँ तो लगता है कि जितने पर लोग हैं उतने ही आपको मॉन्कीज भी दिखेंगे, और इनसे बच बच के निकलना पड़ता है। और बेचारे वो भी क्या करेंगे, उनको खाना पीना खाना, तो वो खाने के लिए एक्चुअली ऐसा करते हैं। और ये था जन्मभूमि का गेट, इसी से अंदर एंटर करना होता है। बाकी मैं आपको रूट के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, मैंने यहाँ दो पिक अपलोड करे हैं। देखो अगर आप जब भी आए मथुरा एंड बूटेश्वर, दोनों में से बूटेश्वर में उतर